Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I will be covering forward versus future and swaps kya hota hai, iske baare mein hum discuss karenge. So let's get started without wasting any time. Theek hai? So ye bhi aapka hedging, one of the hedging techniques hai. So aapko iske baare mein pata hona chahiye, what does it says and all. So start karte hum apni class. जनरली स्टूडेंट्स फॉरवर्ड और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सो हम एक एग्जांपल लेंगे जो मैं हमेशा देती हूँ और उससे आपको पता लगेगा कि ये क्या है. ठीक है, सो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें, फॉरवर्ड में से भी नहीं होता. दूसरी बात क्या याद रखनी है, डिफरेंस ये करवाऊंगी सबसे पहले, फ्यूचर में से भी इन्वॉल्व होता है. So, मतलब इसमें रिस्क क्या हो गया, ना के बराबर. और रिस्क हाई किस में हो गया, फॉरवर्ड में हाई रिस्क. मतलब क्या होता है, कैसे डील करते हैं वो मैं भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले इतना देखो. ठीक है, सो अब इसकी डेफिनेशन को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब है, स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है फिर ये भी पता होना चाहिए. यहाँ पर स्टैंडर्डाइज लिखा हुआ वर्ड, अब इसको समझे. नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम शेयर्स लेते हैं ना, तो हम जब बात करते हैं 1000 2000, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. जब मैं शेयर ले लूँ 59 शेयर्स, 48, कोई नंबर नहीं ना है 10 में 20 में, मतलब पीछे जीरो नहीं लगी हुई या 5 में भी हो, तो जो 9 8 7 6 ये होते हैं ना, ये नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं सबसे पहले. दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में एक चीज कॉमन है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में, कि दोनों चीजें फ्यूचर में की जाती है. मतलब जैसे ऑप्शन भी हमने 3 महीने के बाद करना होता है ना, और ये दोनों भी हमने फ्यूचर में करने होते हैं. अब डिफरेंस क्या है इनका, ध्यान से समझते हैं. पहले एक एग्जाम्पल समझे, उसके बाद हम देखेंगे. देखो, एक है हमारे पास फार्मर, दूसरा कौन है हमारे पास एक होटल का मैनेजर. होटल के मैनेजर को क्या चाहिए, शेफ ले लो, होटल का शेफ. उसको सब्जियों का पूरा देखना है कि सप्लाई अच्छे से आती रहे, तो वो फार्मर के साथ ना डील करता है. फार्मर की अभी सब्जी उगी नहीं है, 3 महीने के बाद उगनी है, तो फार्मर और होटल का शेफ क्या करते हैं, आपस में डील करते हैं. ये डील करते हैं कि तुम 10 रुपए का पर केजी के हिसाब से मेरे को 100 किलो 100 केजीज क्या दोगे, 100 केजीज क्या देगो, टोमेटोज दोगे. ठीक है, टमाटर देंगे वो, क्योंकि फार्मर को लगता है यार सस्ते हो जाने हैं टमाटर तो 10 रुपए ठीक है, और इसको लगता है यार महंगे हो जाने हैं तो वो भी 10 रुपए, मतलब दोनों खुश है. तो क्या होता है, 3 महीने ना बीत जाते हैं, 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने आपको ये बता दिया है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होते हैं. ठीक है, सो 3 मंथ्स के बाद क्या करेंगे, ये डील करेंगे. 3 महीने बीत गए तो क्या हुआ, टमाटर का भाव बढ़ गया 15 रुपए. अब फार्मर को हो गया कि मैं अगर इसको 10 रुपए में बेचूंगा तो मेरे को 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा. तो फार्मर क्या करता है, मना कर देता है कि नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर भी है, आप ना करो. अब बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे अब फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सेबी इन्वॉल्व होता है, और सेबी ने जैसे कॉल और पुट ऑप्शन में हमने प्रीमियम पहले से ले लिया होता है, यहाँ पर भी फीस पहले से चार्ज कर ली होती है फॉरवर्ड ऑप्शन के लिए, फॉरवर्ड के लिए और कॉल फ्यूचर के लिए. लेकिन फॉरवर्ड में तो सेबी होता ही नहीं है, तो फीस कौन चार्ज करेगा, कोई भी नहीं. इट मींस ये जो 5 रुपए के लालच में फार्मर ने धोखा दे दिया, इस केस में तो नुकसान हो जाएगा इसको, दूसरी वाली पार्टी को नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि फार्मर भाग गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया, तो किसको नुकसान हो गया, यहाँ पर नुकसान हो जाता है होटल शेफ को. लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्यों,
यहाँ पर पहले से ही प्रीमियम ले लिया होगा किसने, सेबी ने। तो वो प्रीमियम किसको दे देगा, होटल के शेफ को दे देगा। इट मींस फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड होता है, फ्यूचर हमारा ब्राइट है। यहाँ से याद कर लो, होते दोनों फ्यूचर में है, मतलब आ, आ, फ्यूचर की डेट में होते हैं। प्राइस दोनों के केस में आज ही डिसाइड किया होता है, देखो आज ही डिसाइड किया होता है। प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे, इस लाइन को याद रखो, प्राइस आज डिसाइड करते हैं। दोनों ने डिसाइड किया ना 10 रुपए का, लेकिन डीलिंग जो होती है वो फ्यूचर में होती है, लाइक लेट सपोज 3 महीने के बाद। अब 3 महीने के बाद अगर धोखा देने वाली बात आए तो वो फॉरवर्ड में होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इसे नॉन स्टैंडर्डाइज पता लग गया, और फ्यूचर वाला हमारा स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, प्राइस आज ही डिसाइड होता है दोनों के केस में, और रिस्की ये ज्यादा हो जाता है, दिस इज मोर रिस्की। आई होप इसके बाद आपको फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर नहीं बोलेगा, क्योंकि पेपर में मैजरा कॉलम आते हैं। इसके जो ऑप्शन, इसके जो हमारा फॉरवर्ड हो गया, फ्यूचर हो गया, लास्ट जो हमारे पास चीज बची है वो है स्वॉप्स। अब स्वॉप का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, गोल्ड। अगले वाले के पास क्या है, मेरे पास गोल्ड के शेयर है, सेकंड पार्टी के पास शेयर है सिल्वर के। मुझे लगता है यार, मेरे पास गोल्ड क्या है ना, मुझे लगता है यार सिल्वर का प्राइस अच्छा होगा फ्यूचर में, तो ना मैं गोल्ड में ना नुकसान ही मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ना बेच देता हूँ। और सिल्वर वाले को भी सेम चीज लगती है, उसे गोल्ड में फायदा दिख रहा होता है। मतलब कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें सामने वाले की चीज में फायदा मिल रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में स्वॉप कर लेते हैं। स्वॉप मतलब गोल्ड वाला अपना गोल्ड सिल्वर वाले को बेच देता है, और सिल्वर वाला अपना सिल्वर गोल्ड वाले को बेच देता है। अब गोल्ड वाले को बेनिफिट चाहे गोल्ड में क्यों ना हुआ हो, अब क्योंकि उसने बेच दिया है, अब वो सिल्वर का प्रॉफिट ही ले सकता है, गोल्ड का नहीं। इट मींस इसमें एक को बेनिफिट होता है, और कंपैरेटिवली सीधी सी बात है, सेकंड पार्टी को लॉस होगा। तो इसमें क्या करते हैं, आपस में ये एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हमारा होता स्वॉप। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने कॉल ऑप्शन करा था, अंडरलाइन एसेट करा था, ये सब करा था। आज इस लेक्चर वीडियो में हमने ये समझा है स्वॉप क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस तीनों में करा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो गई है तो डू लेट मी नो। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग आर्बिट्रेज क्या होता है, फाइनेंशियल और मल्टी नेशनल मार्केटिंग क्या होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।